सीएम योगी ने किसे बोला तुम दलाली छोड़ दो, हम अधिकारियों को सुधार देंगे। बैठक में अचानक क्यों आया सीएम योगी को गुस्सा, किसी को नहीं था अंदाजा योगी ऐसे बरसेंगे। गलत करने की सोचना भी मत, नहीं तो हो जाएगी जेल। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को योगी की चेतावनी, ना किसी ने सोचा होगा, ना किसी ने समझा होगा, ना ही किसी ने अंदाजा लगाया होगा। एक बैठक में बीजेपी नेता की ही सीएम योगी क्लास ले लेंगे, दलाली को लेकर फटकार लगा देंगे तो सब बगले झांकने लगेंगे। अब सवाल ये कि कब कहां और क्यों सीएम योगी ने बीजेपी के ही कार्यकर्ता की फटकार लगा दी, तो अब ये भी जान लीजिए। दरअसल मसला ललितपुर का है, जहां भ्रष्टाचार के मसले एक के बाद एक सुर्खियां बने तो सीएम योगी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। 7 मई को सीएम योगी ललितपुर के दौरे पर थे। सीएम योगी ने तपती धूप में कचनोंदा पेयजल योजना का जायजा लिया। ललितपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज को समय पर बनाने का आदेश भी जारी किया। राम कथा में शामिल भी हुए, मगर उससे पहले मंडल स्तर की समीक्षा बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सब तंग रह गए। योगी महाराज भड़क उठे, बीजेपी के ही एक नेता भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत लेकर सीएम साहब के सामने पहुंचे। बैठक के बीच ही नेताजी ने बोला कि सीएम साहब अधिकारी जनता से रिश्वत ले रहे हैं और पार्टी की छवि खराब हो रही है। नेताजी शायद सोच रहे होंगे कि ऐसी वैसी बातें करूंगा तो सबके सामने सीएम योगी पीठ थपथपाएंगे, वाहवाही होगी। लेकिन ये बात सुनकर उल्टा ही हो गया, क्योंकि सीएम योगी गुस्से से आग बबूला हो उठे। बोले कि पहले आप अपनी दलाली बंद कीजिए, इन अधिकारियों को तो मैं सुधार दूंगा। सीएम का ये अंदाज देखकर सब दंग रह गए। जो सोचा ना था योगी ने वैसा बोल दिया। अब आसपास खड़े लोग भी समझ गए कि सीएम योगी ने सही वक्त पर सही नब्ज पकड़ ली है, क्योंकि आप भी अधिकारियों के पास जाते होंगे तो वो पकड़े जाने के डर से आपसे सीधा रिश्वत थोड़ी ना मांगते होंगे। ये बात तो पूरा यूपी चला रहे सीएम योगी भी जानते हैं कि ललितपुर में भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि बीते कुछ रोज से रिश्वतखोरी के मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई और क्या मामले सामने आए। पहला जून 2019 में तलबेहट में एक गर्भवती महिला अस्पताल पहुंची तो पहले नर्स ने रिश्वत ली और फिर इलाज किया। अगस्त 2011 में ललितपुर में तलबेहटा तहसील में ही एक किसान से लेखपाल ने रिश्वत मांग ली और वीडियो वायरल हुआ। पीएम आवास के नाम पर रोजगार सेवक ने विधवा महिला से रिश्वत ली, ऑडियो वायरल हुआ, तब FIR दर्ज हुई। नवंबर 2021 में एक सिपाही रुद्रपाल ने 15,000 रुपए नहीं देने पर झूठा मुकदमा लिखने तक की धमकी दी। ऐसे ना जाने कितने मामले सामने आए, सभी मामलों में जांच हुई, कार्रवाई हुई, मगर मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसे में सीएम योगी ने बकायदा मंत्रियों को गंभीरता से एक्शन लेने की छूट तक दे दी। साथ ही निचले लेवल पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी सीएम योगी ने टीम गठित कर दी। सिर्फ बुलडोजर माफियाओं की जमीनों पर ही नहीं चलेगा, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी चलेगा। यूपी एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन रोजाना रिश्वतखोरों को पकड़ रही है। अब सबूत देखिए। तारीख 9 मई, जगह बांदा जिला, राजस्व निरीक्षक 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। तारीख 29 अप्रैल, जगह कनौज, 7,000 की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार। तारीख 27 अप्रैल, जगह गोरखपुर, 10,000 की घूस लेते अभिलेख अधिकारी अरेस्ट। तारीख 18 अप्रैल, जगह कन्नौज, 10,000 की रिश्वत लेते शिक्षा विभाग का क्लर्क पकड़ा गया। तारीख 22 अप्रैल, जगह आगरा, ट्रेनिंग के नाम पर 10,000 रिश्वत लेते प्रचारक पकड़े गए। यकीनन ये छोटे छोटे मामले जरूर हो सकते हैं, जो आपने ना मीडिया में देखे होंगे, ना सुने होंगे, ना अखबारों की सुर्खियां बनी होंगी, मगर संदेश बहुत बड़ा है कि छोटे पदों पर बैठे ये अधिकारी जनता को मूर्ख समझते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं, दलालों की जेब गरम करते हैं। मगर सीएम योगी के राज में ये नहीं चलने वाला, क्योंकि सीएम योगी के लिए कौन अपना कौन पराया, हर मौके पर वो ये बात तो कहते हैं कि मैं संत हूँ, मेरा काम तो जनता की भलाई करना है, जो गलत करेगा वो भरेगा। वैसे भी ये तो सब जानते हैं कि सीएम योगी जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी की जीरो टॉलरेंस वाली नीति और नियत पर किसी को शक भी नहीं है, और जनता जानती है कि अधिकारी गलत करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे।
लेकिन सीएम योगी ये भी समझा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता भी गलत करेंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।